कॉम्बिनेशन हो जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि सरकार एक के बाद एक लगातार कदम उठाती हुई नजर आ रही है। हाल ही में सरकार ने फिर से जो बेसिक ड्यूटी थी वो घटाई है कच्चे सीपीओ की, क्रूड सनफ्लावर ऑयल की और क्रूड सोयाबीन ऑयल की। आपको क्या लगता है, आप आगे जाके एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? ये एडिबल ऑयल का जो ट्रेंड है वो हमें लगता है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट भाव ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहे हैं, मगर हमें साथ साथ जो ट्रेंड पकड़ा है वो एक अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर दूसरी तरफ अगर हम सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पर नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होती हुई दिख रही है, उसका भी काफी खासा असर यहाँ पर रहेगा। तो अगर सोयाबीन की फसल की आवक बढ़ती हुई दिख रही है तो उससे भी आने वाले समय में भावों में कुछ प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हमारा व्यू है कि यहाँ पर अभी जो ट्रेंड पकड़ा है वो अभी फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोयाबीन की आगे अराइवल बढ़ेगी और आगे हम सरसों की आवक भी देखेंगे, तो हमें लगता है कि भावों में आने वाले समय में जो है कुछ नरमी देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी तेजी हो सकती है एडिबल ऑयल में, मगर लंबी अवधि में सोयाबीन और सरसों की आवक बढ़ने की वजह से हम पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में कुछ नरमी आते हुए देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कि ज्यादा तेजी की तरफ जाएगा, यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ही ट्रेड रहना चाहिए। जी,